देश में 10 से 40 लाख आबादी वाले शहरों में से नवी मुंबई शहर को स्वच्छता में प्रथम क्रमांक हासिल हुआ है। इस बात को लेकर फैंसी रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट के फाउंडर एस ए राजन ने नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर को नवी मुंबई के वासी वेस्तुदास भावे नाट्यगृह में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। स्मृति चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन सन्माननीय आयुक्त साहेबांना सन्मानित करतात। पुष्पगुच्छ प्रदान केला जातो आहे आयुक्त साहेबांना आणि सन्मान चिन्ह प्रदान केले जात आहे संस्थेच्या वतीने। सर पुढे आपल्या सर्वांनी पाहून केलेल्या फॅन्सी रिहॅबिलिटेशन ट्रस्ट सर्व प्रकारच्या दिव्यांगांच्या आर्थिक पुनर्वसनासाठी काम करणारी संस्था आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे। ईटीसी शिक्षण प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या दिव्यांगांना एकाच छताखाली विविध प्रकारच्या शिक्षण प्रशिक्षण आणि सेवा सुविधा देणार देशपातळीवर नावाजलं जाणार केंद्र आपण या ठिकाणी त्याचा उल्लेख करतो आणि आज या निमित्तानं या संस्थेच्या वतीने आयुक्त साहेबांचा होणारा सन्मान नवी मुंबई महानगरपालिकेचा होणारा सन्मान। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए फैंसी रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट के फाउंडर एस ए राजन ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आज मैं बहुत खुश हूँ, महानगर पालिका ने मुझे आमंत्रण किया है और हमारा नवी मुंबई लेबर्स जो मेहनत किया है आज इनकी वजह से नवी मुंबई जो प्राप्त किया हम नंबर एक में स्वच्छता में उनका नंबर है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो हमारा संस्था की तरफ से हमने एक पुरस्कार उनके लिए दिया यादगार के लिए। सर आपने आपकी क्या उम्मीद है नवी मुंबई महानगर पालिका के लिए? हमारा उम्मीद तो ये है हम जो संस्था चला रहे अपाइज लोगों के लिए 33 साल से हमने किसी से देन लिया नहीं और आज हम लोग आज हम चाहते महानगर पालिका से कि कई अपंग लोग और कई एक्सीडेंट लोग के परिवार जो तरस रहे उनका नौकरी चलेगी उनको नौकरी देने के लिए हमारे एक रिक्वेस्ट है। कुछ भी काम देंगे तो भी चलेगा, जो साफ सफाई का काम जो उनकी बल के हैं अगर वो देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर महानगर पालिका ने हमें मदद दिया तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ हमारा जो कस्टम का चीफ कमिश्नर एक्स रिटायर्ड चीफ मिनिस्टर अरुण कर्दर साहब यहाँ पर है। आज के बाद उन्होंने भी बोला कि हमारे संस्था को साथ देने वाले और हमारे संस्था को साथ दिया हुआ हमारा जो मिसेस दीपिका राजन, इस संस्था ने हम से हमने 400 लोगों को हमने रोजी रोटी का रास्ता दिखाया। इस वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं कि महानगर पालिका हमारे संस्था के लिए कुछ ना कुछ मदद कर सके। सिर्फ हम पैसे के लिए उम्मीद नहीं रखते, हमें चाहिए सिर्फ काम हमारे आप के लिए। फैंसी रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट की तरफ से नवी मुंबई महानगर पालिका को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सफाई अभियान में और हम बहुत प्राउड फक्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस होता है हमको जब नवी मुंबई फर्स्ट नंबर पे आई है साफ सफाई में। और इसमें सभी का योगदान है, नवी मुंबई महानगर पालिका का बहुत बड़ा योगदान है और साथ साथ में जितने भी लोग हैं जितने भी नागरिक हैं हमारी सभी की ये ड्यूटी है, हमारा ये फर्ज है कि साफ सफाई रखना चाहिए और उसमें सभी का हाथ है, सभी का योगदान है। सभी नवी मुंबई वाले लोग जो रहते हैं नवी मुंबई में उनको मेरी तरफ से ये मैं चाहूँगी कि वो साफ सफाई में सब ध्यान दें और ताकि इसी तरह से नंबर वन पे हमेशा सिर्फ नई मुंबई में नहीं पूरी इंडिया में हमारा मुंबई फर्स्ट नंबर में आए, मैं ऐसा चाहूँगी। और उसमें हमारे नागरिक जो हैं हमारे भारत के हमारे नई मुंबई के पूरे भारतवासी हम चाहेंगे कि पूरे लोगों की सभी की ये ड्यूटी है, सबका फर्ज है कि सफाई अभियान में साथ दें। और फैंसी रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट का हम यही चाहेंगे कि सभी को फिर से शुभकामनाएँ, सभी को नागरिकों को भी शुभकामनाएँ, उनको भी हमारी तरफ से धन्यवाद।
थैंक यू।